अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो रमज़ान आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। और जो है अभी मैं क्या लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को पता ही है कि जो भी मैं क्रीम लेकर आती हूँ या फिर खाने होते हैं, जो भी वीडियो होती है मेरी, वो सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मैं बनाती हूँ। और जिसमें ना आप लोगों का फ़ायदा फ़ायदा होता है, ठीक है, और नुकसान तो कोई भी नहीं होता। अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं माशाल्लाह से एक साल से मैं जो ना अपना चैनल चला रही हूँ, और अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों ने इतनी चाहत इतनी मोहब्बत दी है मुझे कि मेरा दिल करता है आप लोगों से बातें करने के लिए और वीडियोस डालने के लिए। जब मैं कमेंट्स जो पढ़ती हूँ जो आप लोगों ने किए होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, ठीक है जी। तो आजकल है रमज़ान और माशाल्लाह से अब 12 रह गए हैं रोज़े खैर से, और ईद आने वाली है बड़ी जल्दी जल्दी से माशाल्लाह से। और अभी हम जो है ना चूड़ियाँ पहनेंगे, और फिर ईद आपको पता ही है किस तरह से मनाते हैं हम लोग सब। पूरी दुनिया में जो है ना मुसलमानों की जो ईद होती है माशाल्लाह से कितनी प्यारी होती है, या पूरी दुनिया में जो है ना ईद मनाई जाती है, और क्यों ना मनाई जाए। अच्छा, तो मेरी तो बातें आप लोगों को पता ही होती रहेंगी, और जो मैंने जो भी क्रीमें बताती हूँ वो सिर्फ आप लोगों के फ़ायदे की बात होती है, और जो भी नुस्खा मैं बताती हूँ वो भी फ़ायदे की बात होती है, ठीक है। तो ये भी जो है ये है एक क्रीम बहुत अच्छी, जिसको लगाने से, ठीक है, आपका चेहरा हो जाएगा ग्रो इतना गोरा चिट्टा चमकदार, ठीक है। तो चमकदार क्यों होता है जी? हम अपनी स्किन की हिफाजत करते हैं, तो करनी भी चाहिए। खूबसूरती तो जाहिर सी बात है, हर लड़की कहती है मैं खूबसूरत नज़र आऊँ, प्यारी नज़र आऊँ, तो क्यों ना नज़र आएँ भाई, प्यारे भी खूबसूरत भी, ठीक है। तो आज मैं जो लेकर आई हूँ वीडियो वो आप लोगों के लिए है जिसका रंग जो है डिम हो रहा है, क्योंकि आजकल हैं गर्मियाँ। तो ये क्रीम जो है माशाल्लाह से मैं दिखा दूँ आप लोगों को, इसका नाम है जी गोरी। नाम भी देखें कितना अच्छा है इसका, और ये मैंने यूज़ की है, मतलब यूज़ करती हूँ मैं काफ़ी अरसे से, मेरे ख्याल में एक साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और इसका कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ना मेरी बेटी थी ना जो जिसकी अभी जो ना शादी होने वाली है माशाल्लाह से आमना, तो वो है सांवली ना, तो जब मैंने इसको लगाने के लिए मैंने कहा, तो मैंने कहा चलो अब तुम भी, तुम्हारी भी शादी होने वाली है तो गोरी गोरी नज़र आओ, ताकि भाई हर कोई लड़का कहता है कि शौहर कहता है कि भाई मेरी बीवी भावें खुद के भाई कोजा जैसे होते हैं ना, जैसे भी हो, लेकिन लड़की जो है ना बीवी कहता है कि ना खूबसूरत होनी चाहिए, ये चीज़ होती है लड़कों में ना। तो मैंने कहा भाई वो भी इतना गोरा चिट्टा सा है तो तू भी इतनी गोरी गोरी हो जा, तो अच्छी बात होती है। बीवियों को चाहिए अपना ख्याल रखा करें, क्योंकि शौहर जो होते हैं वो यही चाहते हैं मेरी बीवी सबसे प्यारी नज़र आए। ज़रूरी नहीं है ईद पर, भाई मियाँ बीवी के लिए तो हर रोज़ ईद ही है, ठीक है, और घर वालों के लिए भी हर रोज़ ईद ही है, ठीक है। तो खुशियाँ से मनाएं, करें ईद, प्यारे से बन जाएं, और इस गोरी क्रीम से, ठीक है, इतनी प्यारी आप हो जाएंगी ना माशाल्लाह से। अच्छा, मैं आप लोगों को इसको दिखा भी देती हूँ, इसके अंदर से कौन सी क्रीम है, कैसी ये नज़र आती है, ठीक है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। और क्योंकि मैं ये लगाती हूँ तो बहुत अच्छी क्रीम है, अब यकीन करेंगे आप। और जो भी जैसे मैं ना अपने चेहरे पर लगाती हूँ, मेरे बच्चे लगाते हैं, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसलिए कि आप लोग भी मेरे बच्चे हो, आप लोग भी मेरी बेटियाँ हो, मेरे व्यूअर जो भी हैं इनकी जो बेटियाँ होती हैं वो मेरी बेटी हैं, तो उनके लिए तो मैं फ़ायदा सोचूंगी ना, नुकसान तो नहीं सोचूंगी। तो फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा भाई जिसकी शादियाँ हो रही, ईद के बाद पता है आपको शादियाँ शुरू हो जाती हैं, तो अभी इसका रिजल्ट जो है ना एक हफ्ते, आप भी आज ही लेकर आएँ और आज ही लगाएँ, और दूसरे दिन इसका रिजल्ट मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि ना नौरीन जी आप लोगों ने, आपने कितनी अच्छी क्रीम हमें बताई है, ठीक है। तो ज़रूर लेकर आइएगा, फटाफट जाएं मेरी वीडियो देखें और जाके मार्केट जाएं, आपके घर के पास से कहीं से भी ये मिल जाएगी, ठीक है। और 250 में इसके रेट हैं, ठीक है, रेट भी लिखे हुए हैं इसके अंदर, और 250 के इसके रेट हैं, और कोई महंगी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी क्रीम है ये, ठीक है। ये देखें मैंने लगाने शुरू कर दी हुई है, ठीक है, और इतनी अच्छी इसमें से ना खुशबू आ रही होती है, देखिए ये ना आपको नज़र भी आ रहा होगा, थोड़ी सी ना ये ना जैसे मिट्टी कलर नहीं होता, ये वैसी होती है, ठीक है, और बहुत अच्छी क्रीम है ये, खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त। और इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, मुंह पे सारी करके लगा लेना जैसे मैं लगाती हूँ अपने चेहरे पर बस। और ये ना ये क्रीम ऐसी है व्यूअर्स, ये ना नज़र नहीं आती, लगाओ ना आप, तो ये देखिए मतलब ना चेहरे पे जैसे भी मतलब के चेहरे पे आपने रात को अप्लाई कर देना, ठीक है, इस तरह करके पूरे माथे पे ऐसे करके आप लोगों ने मल देना, ठीक है ना,
जैसे अब मैं मल रही हूँ इसको लगा के, क्योंकि मैं तो बड़ी स्पीड में काम करती हूँ, मैं ना सुस्ती मारे काम नहीं करती, मैं जो है ना बड़े घर के भी बड़े काम बड़ी से करती हूँ, ठीक है। तो आपने ये क्रीम लगा लेनी है, उसकी खुशबू ही बहुत प्यारी है, रात में लगानी है व्यूअर्स, ठीक है। और ये क्रीम इतनी अच्छी है ना कि आपको ये फ़ायदा देगी, ठीक है। और जो आपके चेहरे पे अगर मतलब कहते हैं ना कि दाग धब्बे, ये भी ख़त्म कर देगी, ठीक है जी। और इतनी प्यारी क्रीम है ना, ये मैं आपको बता नहीं सकती। और थोड़ी ये ना जब्स हो जाती है, चेहरे पर महसूस भी नहीं होती, लेकिन इसको धूप में मन जब निकलें कहीं, ऑफिस वाले हैं या लड़कियाँ हैं ऑफिस का काम करती हैं माशाल्लाह से, या कहीं भी जॉब करती हैं, तो दोपहर में आप इसको लगा कर नहीं निकलेगा, ठीक है। ये दोपहर की नहीं है, ये रात की नाइट क्रीम है, ठीक है। रात को आप लगाएं, अच्छी तरह से आपने मुंह धो लेना है, फ्रेश कर लेना अपने चेहरे को, किसी भी साबुन से आप मुंह धोएं, किसी भी फेस वॉश से आप मुंह धोएं। अच्छा, फेस वॉश भी है, वो भी मैं उसकी वीडियो भी आपको बताऊंगी कि कौन सा मैं फेस वॉश लगाती हूँ, मेरी बेटियाँ कौन से फेस वॉश लगाती हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको लगा के भी दिखाई है कि बहुत अच्छी क्रीम है। और जब्स हो जाती है, सबसे मेन चीज़ इसकी ये कि जब्स हो जाती है चेहरे पे आके ना, ये चीज़ है इसके अंदर ना, और कोई भी इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको नुकसान हो, ठीक है। इसमें एक पर्चा भी दिया हुआ है, ये लिखे हुए सारा कुछ इसके अंदर ना, ये देखें, उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। जो उर्दू पढ़ना जानते हैं तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, और ये पढ़ भी लीजिएगा क्या है ये, ठीक है। इसके अंदर जी क्रीम है, गोरी क्रीम, जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा, खूबसूरत और नरम मुलायम करती है, ठीक है। ऐसे जैसे दूध की तरह ऐसे कर देती है, ठीक है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये पढ़ूंगी तो बहुत लंबा चौड़ा, इतनी लंबी मेरी वीडियो हो जाएगी, तो आपको पता ही है कि 15 से 10 मिनट की वीडियो डालनी होती है। तो बस अभी जो ना मैंने क्यों ये इसमें रखी हुई है, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनानी थी, ठीक है। और कल के बाद मैं आपको बताऊँ, कल की तो बाद में भूल ही गई, मैंने आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। ये तो हो गई मेरी क्रीम की बातें, ठीक है। कल मैंने बनाई थी माशाल्लाह से, देखी होगी आप लोगों ने, सिंधी बिरयानी है ना, उसमें मैं आपको नजर आई हूँ कहीं, नहीं नजर आई ना, पूरे खाने में जो ना मैंने आपको दिखाया, कितने नज़दीक से दिखाया, कितनी मेहनत से मैं बनाती हूँ, ठीक है। इतनी मेहनत से मैं ना अपने खाने बनाती हूँ, खाना बनाना कोई आसान काम नहीं होता। रोज़े में मैं खाने अब बना रही हूँ, ज़ाहिर है मेरी वीडियो है माशाल्लाह से, दुनिया मुझे जानती है नौरीन के नाम से, ठीक है, नौरीन का किचन। और एक बंदे ने मुझे कमेंट्स किया, पता नहीं वो बंदा है कि बंदी है, मैंने देखा नहीं है उसका नाम, तो मुझे हाँ बंदा ही है, वो कहता है कि ना आप ना नज़दीक से दिखाया करें वीडियो। तो मैं उसको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी बात सुनो, 2 घंटे 1 घंटे लगते हैं चूल्हे पे खड़े होके वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखनी मेरी वीडियो तो आप ना देखा करें, लेकिन कमर्स आप अच्छे किया करें। एक तो हम रोज़े में होते हैं, और दूसरा मैं अपनी वीडियो बना रही होती हूँ, ठीक है। अगर आपसे नहीं देखा जाता तो प्लीज़ मेरी वीडियो ना देखा करें, अगर देखना है तो कमर्स आप अच्छे करें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आपसे, लेकिन अल्लाह के वास्ते आप रमज़ान में तो ऐसी बात ना करो, आपको नहीं पता, आपने मेरे ख्याल में तो यहाँ आप रोज़े नहीं रखते होंगे जब भी आपने ऐसी बात की है, आपको तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, ठीक है। एक तो इतनी मेहनत होती है मेरी रोज़े में, मैं जो ना वो खाने बना रही होती हूँ, उसको जो ना एडिट करना होता है, उसको लिखना होता है, उसको एडिट सारा कुछ हम करते हैं, 7 से 8 घंटे हमें लग जाते हैं इसी चक्कर में, ठीक है। पार्लर में जाना होता है, मेरी ड्यूटी भी होती है, मैं अपने घर भी अपने बच्चों को भी पालती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। एक छोटा सा कमर जो है ना वो इंसान को कब्र में ले जाता है, पता है आपको कितनी टेंशन होती है सिर्फ आपके कमर्स की वजह से। कमर्स करें आप, क्यों ना करें, करें अच्छा कर दें आप, किसी के लिए जो ना अच्छा नहीं कर सकते ना, बुरा भी ना करें, ठीक है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कल से उस बंदे के ऊपर कि मैं बता नहीं सकती आपको कितनी बुरी बात है। कितने भी यूट्यूबर हैं वो कितनी मेहनत से बना रहे होते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता ही है, ठीक है। कोई भी वीडियो, कितनी बातें करनी होती है, गला हमारा खुश्क हो जाता है। अरे एक दिन के लिए आप वीडियो तो बनाकर दिखा दो, मैं आपको मान जाऊंगी, ठीक है। और बनाकर आप जो ना पोस्ट भी करो और सारा कुछ लिखकर बताओ, तेल निकल जाता है बंदे का, ये सर के बाल है ना ये भी नहीं रहेंगे आपके। लेकिन कम से कम आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते ना, तो आप बुरा भी ना करें, ठीक है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैंने कहा मैं कल जो ना इसको बताती हूँ कि आपको अगर नहीं देखनी मेरी वीडियो तो आप बेशक ना देखें, पूरी दुनिया में आप ही रहेंगे मेरी वीडियो देखने के लिए, ना देखा करें। और खबरदार मुझे कोई मैसेज किया आप लोगों ने, ठीक है ना, कोई कमेंट्स की मुझे ज़रूरत नहीं है आप लोगों की, अल्लाह कामयाब करने वाला है, अल्लाह ही मुझे देगा, मेरा नसीब है मुझे मिलेगा, ठीक है। मैं अगर अभी कामयाब नहीं हूँ, इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया मुझे देखेगी, और अभी देख रही है मुझे पूरी दुनिया। 1 साल से मैं वीडियो बना रही हूँ कि लोग मुझे जानते नहीं हैं कि मैं खाने अपने बना रही होती, कितनी मेहनत मैं कर रही होती हूँ, बताएं आप लोग मुझे,
क्या गलत बोल रही हूँ मैं? एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें, माशाल्लाह कह दें, या आपका खाना बहुत अच्छा है, आपको मेरी वीडियो में या किसी भी वीडियो में आप चले जाएं, और मैंने कभी भी, आप कैसी भी वीडियो बना रहे हैं, मैंने कभी भी, आप यकीन करें, कभी किसी के ना वीडियो पे कभी कमेंट्स ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका दिल टूट जाएगा, वो वीडियो बनाना छोड़ देगा। और क्यों छोड़ें हम वीडियो बनाना सिर्फ आपके एक कमेंट्स की वजह से? क्यों बनने क्यों छोड़ दें हम? क्यों दिल हमें छोटा करें? लेकिन सिर्फ मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है आप लोगों के ऊपर कि एक बंदे ने मुझे ऐसा कमेंट्स किया, वो आइंदा मेरी वीडियो ना देखे, ठीक है, ना देखे और ना ही ऐसा कमेंट्स करे मुझे, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, ठीक है ना। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मेरी वीडियो है, मेरा चैनल है, किसना चलाना है, मेरी मर्जी, समझ गए आप लोग। तो कभी भी ऐसा कमेंट्स ना क्या करें जिससे हमारा दिल दुखे, क्योंकि रमज़ान होते हैं, रमज़ान में हमने कितने काम, अभी भी देखो मैं कितना बोल रही हूँ ना, एक भी गलत अल्फाज बोला है मैंने? बताया आप मुझे? नहीं ना। क्यों? इसलिए कि मैंने अपना चैनल चलाना है, मैंने आगे कामयाब होना है, मैंने अपने बच्चे भी आने हैं, मैंने कहीं आलतू फालतू नहीं हूँ मैं भी, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ना कमेंट्स जो भी करें अच्छा करें, ताकि इंसान का दिल खुश हो, या तो फिर आप सड़ रहे होंगे मेरी वीडियो देख देख के। और दूसरा जी, आप जो टैग लगाती हो उसमें अपने अपना तस्वीर क्यों लेती हैं? भाई तुम्हें क्या लेना था ना मेरी तस्वीर से, हैं? तुम्हें क्या लेना था ना? तो चैनल है मेरा, मेरी मर्जी मैं अपनी तस्वीर लगाऊं, मेरी मर्जी अपने खाने लगाऊं। मैं कहा तुम होते कौन है मुझे ये बोलने वाले? पहली बात तो यही है, मेरी मर्जी कि मैं अपने चैनल पे जो ना अपनी तस्वीर लगाती हूँ, खाने भी लगाती हूँ, मेरी मर्जी है, ये मेरा चैनल है, मैं तुमसे नहीं चलूंगी, ठीक है ना। जब यूट्यूबर मुझे मना नहीं करा, यूट्यूब वाले मुझे मना नहीं कर रहे, तो तू कौन होता मना करने वाला भैया? तुम लोग कौन होते मुझे मना करने वाले? आप पहले मुझे ये बताओ, ठीक है। दुनिया में जितने भी खाने चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी मर्जी है ना वो। जब भाई एक बात है, आप सड़ रहे होंगे, मेरी तस्वीर आती है, अच्छी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह आती है, मेरा चेहरा अल्लाह तआला ने प्यारा दिया माशाल्लाह से, अल्लाह का करम है, परवरदिगार का, मैं किसी की बुराई नहीं करती, ठीक है ना। और ना ही मुझे कमेंट्स करने की आदत है ऐसे उल्टे सीधे, ना मैं करती हूँ, ना मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा सिखाया है। लेकिन ये मैंने जो मैंने बात करनी थी वो भी मैंने की है आप लोगों से। तो प्लीज़, कल आपने मुझे कमेंट्स किया है, मुझे कमेंट्स ना किया करें ऐसे, और ना ही आप मेरी वीडियो देखें। जहाँ नज़र आ रहा है ना मेरी वीडियो, तो आप बेशक ना देखें, और ना ही मेरे मुझे कमेंट्स करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है ना। तो मुझे तो आ रहा गुस्सा, और बहुत ज़्यादा उस बंदे के ऊपर या बंदी के ऊपर, जो भी है, मुझे नहीं अच्छी लगी उसकी बात। आइंदा कभी किसी को करें, आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो आप बुरा भी ना करें, ठीक है ना। बहुत मेहनत से हम वीडियो बना रहे होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों के लिए नहीं बना रहे होते, ठीक है ना। ये आप लोगों ने तो कुछ अब उठाए और वो मैसेज कर दिया, कभी एक दिन के लिए वीडियो बनाए ना, तो आपको लग पता जाएगा कैसे पसीने निकलते हैं इंसान के, और किस तरह से दिमाग हमारा चल रहा होता है, किस तरह से जुबान हमारी चल रही है, किस तरह से अल्फाज हमारे निकल रहे होते हैं, हमारा जो ना गला खुश्क हो जाता है बात कर करके, समझ गए आप लोग। तो फिर आ जाते हैं अपनी क्रीम की तरफ, वो तो मेरी बातें हो रही थी क्योंकि मुझे गिला था उस बंदे से या बंदी से, जो भी है, ठीक है। आइंदा से मुझे जो ना कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। तो जी ये क्रीम जो ना मैं फिर आपको बता रही हूँ कि जी ये क्रीम जो है आप लोगों ने ज़रूर लगानी है, ठीक है। वो तो मेरा गुस्सा था, उस बंदे को मैंने बता दिया या बंदी को बता दिया, आइंदा मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है, कोई कमेंट्स ना करें मुझे, ठीक है ना। तो बस अब ये क्रीम लगाएं आप, फटाफट जाएं मार्केट में, और अच्छी सी ये बहुत बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी क्रीम है, जितनी भी तारीफ़ की जाए गोरी तो बहुत अच्छी क्रीम है। तो फटाफट जाएं मार्केट और जाके लेकर आएं और लगाना शुरू कर दें, इससे पहले पहले जो ना आप हो जाएंगे खूबसूरत गोरे, जैसे अब मैं हो रही हूँ। मैं अपने हाथों पर भी लगाती हूँ, चेहरे पर भी लगाती हूँ, मेरी बच्चियाँ भी लगाती हैं, ठीक है जी। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, दुआओं में याद रखिएगा, खाए पिए मौज करें। कल हम फिर बना रहे हैं, कौन सी वीडियो मैं बनाऊंगी, और आप जो ना अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, ताकि हमारा दिल ना दुखे और ना ही किसी और का दिल दुखाएं। क्योंकि यूट्यूबर जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, कोई भी हो, मेरी नज़र में कोई भी हो, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कभी भी किसी के लिए ना बुरा ना बोलें आप, क्योंकि अल्लाह देख रहा है, ठीक है ना। कभी भी कोई ऐसा मैसेज ना करें कि उसका दिल दुखे, क्योंकि यूट्यूबर जो होता है वो किस तरह से वीडियो बना रहा होता है उसका दिल जानता है, ठीक है ना। कितने घंटे हम लोगों को लग जाते हैं। चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।